क्या मामला था ये? असल में कल फकरपुर बुराइवा के किसान लोग अपनी कुछ फसल का नमूना भी हाथ में लिए थे, धान फसल का, और ये दिखा रहे थे कि फसल जैसे बाली पर आई वैसे सब टोटल सूख गई है धान की फसल। पूरे गांव पंचायत का ये हाल है। गांव पंचायत में कहां से उन्होंने एक ही जगह शायद बीज खरीदा है और उससे पौधे डाल करके धान रोपाई किए, पूरे गांव को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जबकि अच्छी बरसात हुई, फसल को अच्छा आना चाहिए, हर जगह पर धान की फसल अच्छी है, लेकिन हो सकता बीज या और कोई रासायनिक क्रिया ऐसी कोई हुई हो इसके कारण भी फसल चली गई हो। वैसे आप इस तरह से क्या किया जा रहा है? हमने ये कहा हम शासन से भी बात रखेंगे, वैसे डीएम साहब से भी बात करेंगे और शासन से बात रखेंगे और किस जिस प्रकार से हो सकता है उसको कराने की कोशिश करेंगे। सर, कुछ जगह धान की फसल अच्छी खड़ी थी लेकिन उसमें बीज नहीं आया, उसमें फसल नहीं आई, उसमें किसानों ने आरोप लगाया कि गलत बीज दे दिया गया है। जनपद कन्नौज के कुछ किसानों द्वारा इस आशय के प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उनके द्वारा धान की फसल की रुपाई की गई थी और वो धान की फसलें काफ़ी बड़ी हो गई हैं, जो सामान्यतः धान की फसलें इतनी बड़ी लंबाई की नहीं होती हैं, और इतनी लंबाई की होने के बावजूद उसमें कोई बाल नहीं आई और वो केवल उसका वेजिटेटिव पार्ट ही बढ़ता चला गया, जिससे किसानों को भारी क्षति हुई है। निश्चित रूप से ये एक गंभीर प्रकरण है और इसकी जांच कराई जाएगी। इसमें मैंने उपनिदेशक कृषि को और जिला कृषि अधिकारी को कहा है कि इसकी जांच करें और ये किस प्रकार के बीज थे कि जिसमें धान प्रॉपर तरीके से नहीं आया और जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर, आपके बंगले पर भी लगे हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के बीज कई जगह लगाए गए हैं, जहाँ जहाँ भी लगाए गए इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो इसमें समुचित कार्रवाई कराई जा रही है। जिले में नकली बीज का गोरख धंधा करने वाले विक्रेताओं ने जिस तरह से किसानों के साथ साथ जिलाधिकारी को ठगने का काम किया है, अब ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या जिलाधिकारी इन ठगों पर कोई बड़ी कार्रवाई कर पाएंगे या फिर राजनीतिक दबाव के चलते मामला फिर फाइलों में दबकर रह जाएगा। नित्य मिश्रा, ईटीवी भारत, कन्नौज।